मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं हेलो मनी नाइन। कई बार क्रेडिट स्कोर खराब होता है, जिसका पता हमें तब चलता है जब बैंक में लोन के लिए हम अप्लाई करते हैं और लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे में हमारे मन में तमाम सवाल आते हैं कि क्या क्रेडिट स्कोर खराब होने पर लोन मिल ही नहीं सकता है, क्या लोन लेने का कोई और दूसरा तरीका है, खराब क्रेडिट स्कोर को कैसे सुधारा जाए और बैंक किसे अच्छा क्रेडिट स्कोर मानते हैं और किसे बुरा क्रेडिट स्कोर, क्या आप ये समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते तो बने रहिए, आज हम इसी सवाल का जवाब आपको देंगे कि गुड क्रेडिट स्कोर बैड क्रेडिट स्कोर में अंतर क्या है और एक गुड क्रेडिट स्कोर अगर नहीं है आपका बैड कैटेगरी में तो इसे आप अच्छे लेवल तक कैसे ले जा सकते हैं, इसके क्या तरीके होंगे। और आज आपकी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अंकुश पाहुजा। लेकिन आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप जब बैंक पहुंचे होंगे, लोन के लिए अप्लाई किया होगा और फिर आपको पता चला होगा कि क्रेडिट स्कोर खराब है, इसलिए बैंक ने या तो मना कर दिया या फिर आपसे हाई इंटरेस्ट रेट की मांग कर रहा है। तो क्यों आज क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होता है तो बैंक क्यों आपके ब्याज को ज्यादा आपसे वसूलते हैं आपके लोन पर, और क्रेडिट स्कोर कैसे खराब होता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग समझ नहीं पाते और अनजाने में हमारे कुछ फाइनेंशियल हैबिट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों के क्या एक्सपीरियंस रहे क्रेडिट स्कोर को लेकर के, क्या आपको भी क्रेडिट स्कोर की वजह से कभी बैंक से जो है ब्याज को लेकर के उलझन हुई है और आपने क्या किया है, कुछ नहीं किया तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर, इनसे जुड़ा अगर आपके पास है सवाल तो भेजिए हमें, हमारे एक्सपर्ट थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874 पर, ईमेल कर सकते हैं query@money9.com पर, या फिर आप हमारे अगर YouTube पर जुड़ रहे हैं लाइव तो फिर आप हमसे YouTube पर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने सवाल को जितने डिटेल में लिखेंगे उतने डिटेल में हमारे एक्सपर्ट आपको जवाब दे पाएंगे। सो आज हमारा फोकस रहने वाला है क्रेडिट स्कोर क्यों खराब हो जाता है, कैसे इसे आप सुधार सकते हैं और सुधारने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप बैड कैटेगरी में चले गए तो ऐसा नहीं कि आप गुड कैटेगरी के सिबिल स्कोर में नहीं आ सकते हैं। इस क्रेडिट स्कोर को सुधारने के क्या रास्ते हो सकते हैं और बुरे क्रेडिट स्कोर के साथ आपको लोन कैसे मिल सकता है या सारे दरवाजे बंद हैं, इन सब का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अंकुश पाहुजा। वेलकम टू मनी नाइन अंकुश, थैंक यू सो मच आज आपने वक्त निकाला। सो मैं सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी आपसे कि क्रेडिट स्कोर, इसकी अहमियत क्या होती है और क्रेडिट स्कोर के जरिए जब एक बैंक लोन देता है, आपको क्रेडिट देता है, तो वो आपके बारे में क्या जानना चाहता है, क्या चेक करता है, ये क्रेडिट स्कोर एक इंडिविजुअल के बारे में बैंक को क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? धन्यवाद प्रियंका एंड मेनी थैंक्स, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया एक अपॉर्चुनिटी के लिए। सो क्रेडिट स्कोर या सिबिल अगर मैं एक बात करूं तो इट इज ये एक बहुत अहम मुद्दा है जिससे बैंक या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक उपभोक्ता की या एक बोरोवर की क्रेडिट वर्दिनेस का मूल्यांकन करने की कोशिश करता है, उसका डिफॉल्ट रिस्क असर्टन करने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस से बैंक को एक चीज की श्योरिटी मिलती है दैट जिस भी उपभोक्ता को मैं लोन दे रहा हूं या मैं अपना एक पैसा एक्सटेंड कर रहा हूं वो मेरे लोन को रीपे करेगा इन फ्यूचर, या उसके ट्रैक रिकॉर्ड या उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इस हद तक अच्छा है कि वो मेरे लोन को टाइमली रीपेमेंट के हिसाब से फिनिश करेगा। इसको असर्टन करने में प्रियंका यू नो बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें यू नो हर एक फैक्टर की कुछ वेटेजेस डिफाइंड है जो कि हर एक कंपनी, जो भी क्रेडिट स्कोरिंग कंपनी है वो डिसाइड करके बैठती है। तो सबसे पहले और बहुत अहम मुद्दा जिसको कंसिडर किया जाता है वो है पेमेंट हिस्ट्री। अगर किसी उपभोक्ता ने पास्ट में लोन लिया है उसको 30% की वेटेज दी जाती है कि आपने पास्ट में लोन लिया, उसको रीपे किया, आपके लोन की रीपेमेंट टाइमली थी या नहीं थी, देन आपने किस प्रकार का लोन लिया, आपने एक सिक्योर्ड लोन लिया या अनसिक्योर्ड लोन लिया, आपका क्रेडिट एक्सपोजर कितना था, आपकी क्रेडिट ड्यूरेशन कितनी थी। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे उपभोक्ता लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं, पर्सनल लोन्स लेते हैं, तो उसको उसका एक ब्लेंड कंसिडर किया जाता है और उसको एक वेटेज दी जाती है आपके क्रेडिट स्कोर को असेस करने के लिए।
बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, आपकी एज फैक्टर है, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन है, आपकी क्रेडिट रोल ओवर्स हैं जिसके बेसिस पे वो सर्टन करते हैं कि आपको आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आपका डिफॉल्ट रिस्क क्या है, आपकी क्रेडिट वर्थिनेस कैसी है। ओके, सो बेसिकली मेरा एक प्रोफाइल तैयार किया जाता है, बैंक एक प्रोफाइल तैयार करता है कि भाई ये जो व्यक्ति है प्रियंका या अंकुश, ये मुझे ये लोन वापस रखने की देने की क्षमता रखते हैं कि नहीं। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। ओके, सो अब ये बताइए कि एक मिनिमम क्रेडिट स्कोर, आप आइडियल मिनिमम क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए, जैसे कि जब वो बैंक के पास जाए तो वो एक अच्छा कैंडिडेट उभर करके आए कि भाई हाँ इसे लोन दिया जा सकता है, मेरा पैसा सेफ रहेगा, मेरा पैसा वापस आएगा इस व्यक्ति से। तो आइडियल स्कोर क्या होता है, या फिर ये आइडियल स्कोर हर बैंक के लिए डिफरेंट भी हो सकता है क्या अंकुश? So, सबसे पहले तो हम ये चीज समझ लें प्रियंका कि क्रेडिट स्कोर जो है वो एक 300 से लेके 900 का एक अंक है, यू नो, इसके बीच में होवर करता है आपका क्रेडिट स्कोर। सो अगर मैं बोलूं कि आपने किस प्रकार का लोन लेना है, लेट्स सपोज आपने एक अनसिक्योर्ड लोन लेना है जिसको मैं बोलूंगा एक पर्सनल लोन है या फिर एक क्रेडिट कार्ड है, तो उसमें क्रेडिट स्कोर की रिक्वायरमेंट अलग है और वर्सेस एक आपने सिक्योर्ड लोन लेना है जैसे अब हाउसिंग लोन है, उसमें क्रेडिट स्कोर की रिक्वायरमेंट अलग है। और लिहाजा अगर मैं ये बोलूं कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ये जो रिक्वायरमेंट है ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती है, बहुत ज्यादा वेरियंस नहीं होता है। अनसिक्योर्ड लोन लेने के लिए आपको मिनिमम आपकी जो क्रेडिट स्कोर रिक्वायरमेंट है वो है 750 पॉइंट्स, और सिक्योर्ड लोन लेने के लिए आप 650 पॉइंट से ऊपर ले सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि अनसिक्योर्ड में ज्यादा क्रेडिट स्कोर की रिक्वायरमेंट जताई गई है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि उसमें बैंक का रिस्क ज्यादा होता है, तो उनको ज्यादा एक्सपोजर लेने के लिए एक अच्छा कैंडिडेट आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो कि 750 से अबव होता है, एंड दूसरी तरफ 650 एंड अबव फॉर अ सिक्योर्ड लोन। ओके, सो ये तो बात हुई गुड क्रेडिट स्कोर की, अब ये बताइए कि बैड क्रेडिट स्कोर क्या होता है, मतलब 650 है अगर आप एक सिक्योर्ड लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो 650 तक आपका स्कोर है तो हाँ आपको लोन मिलने के चांसेस ज्यादा है। अनसिक्योर लोन आपने कहा 750, तो फिर बैड, अब ये जो है 300 to 900 के बीच में, तो अगर मैं मेरा स्कोर कहीं बीच में है 500 है तो मैं क्या ये एक बैड क्रेडिट स्कोर होल्डर हो जाऊंगी? बहुत अनफॉर्चुनेटली मैं ये बोलूंगा दिस इज कंसिडर्ड, ये एक बैड क्रेडिट स्कोर कंसिडर किया जाता है। इसकी भी एक रेंज है, अगर मैं 300 से 500 या 550 में फॉल करता हूं तो मैं एक पुअर क्रेडिट स्कोर होल्डर हूं, अगर मैं 500 से 650 में हूं तो मैं एक एवरेज क्रेडिट स्कोर होल्डर हूं, 650 से 750 में आई एम अ गुड क्रेडिट स्कोर होल्डर, एंड प्लस 750 आई एम एन एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर। एक चीज मैं और बताऊंगा, यहाँ पे कई बार कुछ क्रेडिट स्कोर NH के नाम से डिफाइन किए जाते हैं जिसको हम बोलेंगे नो हिस्ट्री। कुछ ऐसे नए बोरोवर्स होते हैं जो कि एक अच्छे फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ होते हैं बट उन्होंने कभी कोई क्रेडिट कार्ड या कोई लोन लिया ही नहीं, तो उनकी जो कैटेगरी है वो NH में आती है, लिहाजा वो भी एक बैड हिस्ट्री ही कंसिडर करी जाती है बिकॉज इट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी लोन। But that's unfair, क्योंकि अगर किसी ने लोन नहीं लिया और वो NH कैटेगरी में आ रहे हैं, आपको नहीं लगता ये बहुत अनफेयर है? NH क्योंकि उन्होंने कभी लोन ही नहीं लिया, हम सब लाइफ में एक स्टेज पर आके पहली बार लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड हम यूज करना शुरू करते हैं, पर ये NH का फंडा मुझको बहुत ही अनफेयर लग रहा है। अंकुश आप क्या कहेंगे, अगर किसी के पास नहीं है क्रेडिट कार्ड, किसी ने किसी तरह का लोन नहीं लिया तो उसको NH में डाल दिया और NH उसके फेवर में भी काम नहीं करेगा? Yes, you are right, प्रियंका, ये एक जस्टिस नहीं है, मतलब अनजस्टिस है ये, जिसके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। बट हाँ, देर आर सर्टन सोल्यूशन जो कि मैं उनमें से एक मैं यहाँ पे डेफिनेटली अपने यूजर्स व्यूअर्स के लिए आइडेंटिफाई करूंगा बताऊंगा। जैसे कि अगर लेट्स से किसी का क्रेडिट स्कोर NH आइडेंटिफाई हो जाता है और वो एक लोन लेने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, ना कि आज, मे बी 3 to 6 months आने वाले टाइम में उसको एक लोन की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले वो एक अपने बैंक, किसी भी बैंक के पास जाके एक FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड, फिक्स डिपॉजिट बेस्ड क्रेडिट कार्ड इशू करवा ले जो कि एक सिक्योर्ड कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। अगर वो क्रेडिट कार्ड उसको 99% बैंक ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड इशू कर देगा,
डिपेंडिंग उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री होनी चाहिए कि वो कुछ कमाने वाला होना चाहिए। और अगर ये क्रेडिट कार्ड आ जाए और वो 3 से 6 महीने तक वो उपभोक्ता उस क्रेडिट कार्ड को प्रॉपरली मेंटेन करके रीपे करे और मैनेज करे, तो उसकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बन सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है 3 से 6 महीने में एक एनएच से एक कुछ अंक क्रेडिट स्कोर का वो हासिल कर सकते हैं ताकि उनको फर्दर सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन दिया जा सके। ओके, सो सो दैट्स अ दिस गुड इज वन आइडिया, सोल्यूशन। दैट्स अ गुड आइडिया। अगर आप एनएच कैटेगरी के कंज्यूमर हैं, कोई हिस्ट्री नहीं है, और अगर आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट और आपको लग रहा है कि मैं अभी नियर फ्यूचर में मुझे लोन की आवश्यकता होगी, मैं लोन लेने वाली हूँ, तो फिर आप एक अपने फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट तो इस क्रेडिट कार्ड में उतना ही पैसा होगा आप इस्तेमाल कर पाएंगे जो आपके एफडी में है, राइट? यस यस यू ओके राइट। ओके फाइन, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो आज आपसे सीखने को मिला मुझे अंकुश। अंकुश, अब ये बताइए, एक हम बात कर रहे हैं क्रेडिट स्कोर की और एक होता है सिबिल स्कोर। ये सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर क्या डिफरेंट है, या फिर सिबिल इज़ द एजेंसी जो आपको क्रेडिट स्कोर देती है? लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, सिबिल स्कोर कहीं लिखा है, कहीं क्रेडिट स्कोर लिखा हुआ है, कहीं क्रेडिट रिपोर्ट मांगी जाती है, ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं? ये वही डिफरेंस है प्रियंका जो एक टूथपेस्ट और एक कोलगेट में है। ओके सो यू नो दैट्स वन एंड द सेम थिंग आई वुड से। सिबिल सिबिल स्कोर इज अ ट्रांस यूनियन कंपनी व्हिच जनरेट्स सिबिल रिपोर्ट्स फॉर ओके इंडिविजुअल। वो हाँ अल्टीमेटली क्रेडिट स्कोर एक उपभोक्ता को प्रदान करते हैं। सो ये कंपनी है जो कि क्रेडिट स्कोर के लिए काम कर रही है। इंडिया में 4 कंपनीज ऑपरेट करती हैं यू नो ऑन क्रेडिट स्कोर असर्टन करने के लिए, जिसमें से सिबिल ट्रांस यूनियन एक कंपनी है। देन वी हैव एक्सपेरियन, देन एक्विफैक्स क्रेडिट, एंड देन देयर इज लास्ट इज हाईमार्क। सो सभी कंपनीज की डिपेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी कंपनी का क्रेडिट स्कोर चूज करके उसमें उपभोक्ता को की कैपेसिटी असर्टन करते हैं। एक लाइव क्वेश्चन लेते हैं हमारे व्यूअर का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजेंद्र चौधरी जी का सवाल लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी हम एनएच की बात कर रहे थे ना, कुछ ऐसे ही इससे ही जुड़ा हुआ इनका सवाल है। एनएच यानी कि नो हिस्ट्री, जो अभी हमें बहुत डिटेल में अंकुश ने समझाई है, अगर आप उसके बारे में समझना चाहते हैं थोड़ा सा आपको इस कॉन्वर्सेशन को पीछे ले जाना होगा। विजेंद्र पूछ रहे हैं कि अगर कोई लोन नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो मैं सिबिल स्कोर कैसे चेक कर सकता हूँ? क्या बताना चाहेंगे आप विजेंद्र को? सो हाय विजेंद्र, थैंक यू, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो विजेंद्र, सबसे पहले तो आजकल बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि फ्री सिविल रिपोर्ट प्रदान करने के लिए ऑनलाइन अवेलेबल हैं। सो सबसे पहले तो आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर यूज करके अपना सिविल स्कोर उन एजेंसीज के थ्रू चेक करवा सकते हैं। मेरा यही सबमिशन रहेगा, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा बारी अपने सिविल स्कोर को चेक ना करवाएं, क्योंकि ये एक हार्ड इंक्वायरी के में कंसिडर किया जाता है। हार्ड इंक्वायरी से सिबिल स्कोर इंपैक्ट होता है, तो ये एक सेकेंडरी डिस्कशन है। प्राइम डिस्कशन ये है कि अगर आपका सिबिल स्कोर एनएच आ गया है, तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका से कॉन्वर्सेशन में मैंने एक सोल्यूशन आइडेंटिफाई किया था कि आप अपने बैंकर को अप्रोच करें और उस बैंकर के पास जाके 50,000, 1 लाख, वॉट एवर इज योर कैपेसिटी, आप उस उतनी अमाउंट की एक फिक्स डिपॉजिट बुक करवा लें, या फिर आपकी कोई रनिंग फिक्स डिपॉजिट होगी उस फिक्स डिपॉजिट को नियनमार्क करवा लें और एक नया क्रेडिट कार्ड इशू करवा लें वहां से, और 3 से 6 महीने तक उस क्रेडिट कार्ड को बहुत एफिशिएंटली ध्यान पूर्वक उसको उसकी रीपेमेंट करें, उसकी उसका क्रेडिट रोल ओवर ना करें और कोई चार्जेस उसके ऊपर ना आने दें, जिससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बन जाएगी आने वाले टाइम में, और फिर आप कोई भी लोन ले पाएंगे और आपको एनएच से निजात मिल जाएगी। ओके, सो विजयन जी, ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आप एनएच में होंगे क्योंकि आपके पास किसी तरह का लोन नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड आप यूज नहीं करते, तो आप होंगे ऐसे कस्टमर जो होंगे एनएच, नो हिस्ट्री के कैटेगरी में। और नो हिस्ट्री के कैटेगरी से निकल करके अगर सिबिल स्कोर बनाना है, तो आप एफडी के अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड इशू करवाइए, उसका पेमेंट समय पर करते रहिए, तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बिल्ड होगा। ओके, आई वॉन्टेड टू नो वन मोर थिंग अंकुश। मैंने कई बार सुना है मेरे आसपास लोगों को कि भाई मेरा नो हिस्ट्री है, आपने तो हमें फिक्स डिपॉजिट का आइडिया दिया। अब हो सकता है जो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अभी अभी वर्कफोर्स को ज्वाइन करें, उनके पास एफडी वगैरह नहीं है और वो अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि हम एक लोन ले लेते हैं या हम एक क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। आप उनको क्या सलाह देंगे, अगर जिनके पास फिक्स डिपॉजिट नहीं है और वो उनके पास वो नो हिस्ट्री वाले कंज्यूमर हैं, उनको क्या करना चाहिए? यस डेफिनेटली एक और जरिया है जिसके थ्रू हम एनएच से निजात पा सकते हैं।
तो आजकल जैसे बहुत सारे बैंक्स कॉरपोरेट्स को अप्रोच करते हैं एंड एक एक्सक्लूसिव टाई अप करते हैं उनके साथ क्रेडिट कार्ड ऑफर करने के लिए। सो आप अपने कॉरपोरेट को अप्रोच कर सकते हैं कि उनका जो एग्जिस्टिंग बैंकर है, जहां पे भी आप जॉब करते हैं उनका एग्जिस्टिंग बैंकर है, वो उनके एम्प्लॉइज को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है विद रेफरेंस टू अ क्रेडिट कार्ड। सो अगर आपको क्रेडिट कार्ड एक बार मिल गया सो आप उस क्रेडिट हिस्ट्री को बना सकते हैं। सेकेंडली, सिमिलर सिचुएशन, चाहे क्रेडिट कार्ड नहीं है तो एक पर्सनल लोन की फैसिलिटी डेफिनेटली दी जाती है, बिकॉज कॉर्पोरेट की एक पर्टिकुलर रेटिंग होती है, उस रेटिंग के बेसिस के ऊपर उनका बैंकर उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये एक अपसेल में काउंट करा जाता है फॉर अ बैंकर। सो अगर ऐसी फैसिलिटी आप अवेल कर लें फॉर अ मिनिमम अमाउंट, मे बी 50,000 रुपए का पर्सनल लोन ले लें और उसको टाइमली रीपे करें, उसमें एक अपना हिस्ट्री बनाएं, जैसे ही वो हिस्ट्री वो लोन खत्म होगा आपका सिविल में 3 से 6 महीने का टाइम लगता है, आपकी एंट्री हो जाती है और आप अपना एक स्कोर देख पाएंगे आने वाले टाइम में। बट प्लीज, चाहे आप क्रेडिट कार्ड लें अपने कॉर्पोरेट टाइप वाले यस बैंक से या पर्सनल लोन लें, तभी लीजिएगा जब आप उसको पे कर सकते हैं। अगर पे नहीं करेंगे ढंग से, टाइमली मिनिमम ड्यू पे करके काम चलाएंगे, तो आपका क्रेडिट स्कोर उल्टा बनने की बजाय बिगड़ भी सकता है। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो। हम क्योंकि बात कर रहे थे क्रेडिट स्कोर की, और इसका सबसे अहम रोल होता है जब हम लोन लेते हैं, तो ये बताइए कि लोन अप्रूवल के लिए क्या क्रेडिट स्कोर ही दी ओनली फैक्टर है जो बैंक कंसिडर करेगा, या कुछ और फैक्टर्स हैं जो इस पे वो मुझे एवेलुएट करेगा? प्रियंका, मैं इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दूंगा। ये एक ओनली फैक्टर नहीं है, बट ये प्राइमरी और फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फैक्टर है जिसको बैंक असर्टेन करता है। रादर आई वुड से दैट यू नो बैंक इंप्लॉइज अपनी कॉन्वर्सेशन विद रेफरेंस टू लोन शुरू ही इस लिहाज से करते हैं कि आपका सिविल रिपोर्ट क्या है। सो उसको जनरेट करने के लिए बैंक सबसे पहले आपका पैन और आधार आपसे लेता है और आपकी एक रिपोर्ट जनरेट करता है। अगर आपका स्कोर कंड्यूसिव है, जैसे आप सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो 650 से ऊपर है, अगर आप अनसिक्योर्ड ले रहे हैं तो 750 से ऊपर है, अगर सिचुएशन मीट होती है तब नेक्स्ट स्टेप पे मूव किया जाता है, विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी इनकम, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी, आपके एग्जिस्टिंग लोन, आपका एज फैक्टर, यू नो सारा कुछ कंसिडर किया जाता है और आपको लोन की तरफ आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ या सैंक्शन की तरफ मूव किया जाता है। और अगर सिबिल स्कोर किसी का जिनका खराब है और जिनका अच्छा है, उन दोनों वो दोनों जब लोन लेंगे और उनकी दूसरे पैरामीटर्स जैसे आपने बताया वो ठीक है, उनको लोन मिल जाता है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि एक शख्स का सिबिल स्कोर अच्छा है, एक का खराब है, तो उनके इंटरेस्ट रेट में कितना डिफरेंस हो जाता है? हमेशा इस लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक फ्रेज यूज करूंगा, मोर द मेरियर। जितना ज्यादा सिबिल स्कोर है उतना बेटर, उतनी बेटर नेगोशिएशन टर्म्स आप अप्लाई कर सकते हैं बैंक के साथ, आप अपनी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट की नेगोशिएशन कर सकते हैं। लिहाजा अगर मैं ये बोलूं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये डिपेंड करता है कि बेटर सिबिल स्कोर वर्सेज वर्स सिबिल स्कोर में क्या डिफरेंस है, ये रेंज कैन बी एज हाई एज 10% डिफरेंस और एज लो एज 2% डिफरेंस। ये एक इंटरनल मैटर है, एक फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के बेसिस पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है, इसका कोई थंब रूल ऐसा डिफाइंड नहीं है कि इतना डिफरेंस आएगा। यस, देर आर अपर कैप्स विच आर डिफाइंड, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू फाइनेंशियल। लेकिन वन थिंग विच इज श्योर कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा यस अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है, तो इसको अच्छा रखिए, इसे क्रिएट कीजिए और इसे अच्छा बनाने की तरफ कोशिश कीजिए। इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि कैसे ये सुधर सकता है, एक लाइव क्वेश्चन ले लेते हैं अंकुश, श्याम सुंदर जी का है और हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। नमस्ते श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी पूछ रहे हैं कि जो एक लेंडिंग इंस्टीट्यूट है, क्या वो सिबिल को चेक करने के लिए, नहीं, फॉर एवरी टाइप ऑफ लोन टेकन, अच्छा जो जब भी लोन लेते हैं तो क्या सिबिल चार्ज कुछ कटता है क्या, क्योंकि इनके पास एक ओडी है और एक इन्होंने लिखा है कि एक टर्म लोन है, तो उन्होंने जो बैंक से लिया है उस फाइनेंशियल ईयर में, उसने कुछ सिबिल चार्ज उनके लोन अकाउंट से काटा है, क्या ये सही बैंकिंग प्रैक्टिस है? जनरली ये चीज देखी गई है प्रियंका, दैट ऐसा कोई चार्ज बहुत स्टार्टलिंगली सामने नहीं आया है। सो अगर इनके पास कोई चार्ज आया है तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि कोई डेटा एंट्री एरर हो सकता है या फिर
कोई रेक्टिफिकेशन आपकी सिविल रिपोर्ट में कराई गई हो, यू नो विद रेफरेंस टू कोई गलत एंट्री दिखाई गई हो आपके लोन में, या फिर यू नो एडिशनल एंट्री दिखाई गई हो, तो उसको रेक्टिफाई करवाने के लिए बैंक ने या आपने कहीं सिविल को तो नहीं अप्रोच किया? अगर अप्रोच किया तो उसके डेफिनेटली कुछ चार्जेस होते हैं जो कि आपके अकाउंट से डिडक्ट करे जाते हैं या अपफ्रंट आपसे चार्ज करे जाते हैं। अदर देन दैट बैंक आपकी सिविल रिपोर्ट निकालने के लिए आपसे कोई एडिशनल चार्ज नहीं लेता, जो कि दिस इज बैंक के पास ये प्रोप्राइटरी या रूप से बैंक के पास ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस होती है जो बैंक खुद कॉस्ट उसकी बियर करता है। तो ना तो बैंक आपसे, अगर मैं बैंक से क्रेडिट स्कोर निकलवाती हूँ तो वो मुझसे कोई चार्ज नहीं लेगा, राइट? यस, नो। और मैं अगर उनसे कोई लोन ले रही हूँ तो उस पे भी कोई क्रेडिट स्कोर के नाम पे कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा? लिहाजा ऐसी चीज बहुत ज्यादा देखी नहीं गई है प्रियंका। कुछ विद रेफरेंस टू कोई और चीज हो सकती है जिसकी वजह से वो चार्ज कटा हो, दिस इज नॉट अ नॉर्मल प्रैक्टिस। ओके ओके, तो थोड़ा सा श्याम जी आप अपने बैंक से पूछ सकते हैं कि आपने ये चार्ज क्यों काटा है। अगर उनके पास एक वैलिड एक्सप्लेनेशन होगा जो जिससे आप कन्विंस्ड हैं तो अच्छी बात है, आप कन्विंस्ड नहीं हैं तो आरबीआई की वेबसाइट में इस तरह की कंप्लेंट्स को रेज करने का भी तरीका है, आप वहाँ जा कर के इसे ज़रूर रेज कर सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग, क्रेडिट स्कोर चेक कैसे किया जाए? क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरा बैंक भी मुझे प्रॉम्प्ट भेजते रहता है कि भाई आपका क्रेडिट स्कोर जो है आप चेक कीजिए, फिर कुछ कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको मैं विजिट करती हूँ वो मुझे भेजते हैं फ्री क्रेडिट स्कोर यहाँ से देखिए। तो ये क्रेडिट स्कोर मुझे चेक कहाँ से करना है, कब करना है, मुझे बैंक से लेना है, मुझे TransUnion, Cibil जो ये क्रेडिट स्कोर बनाते हैं उनकी वेबसाइट पर जाना है, अब कैसे मैं चेक करूंगी ये? So, प्रियंका बहुत सारी वेबसाइट्स आज की डेट में औपचारिक हैं जो आपको सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर असर्टेन करने के लिए आपको प्री डिफाइंड लिंक्स प्रोवाइड करती हैं उनकी वेबसाइट्स के ऊपर। स्पेशली ये बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जनरली दिस इज फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन अगर आपको डिटेल्ड रिपोर्ट लेनी है तो आपको उन वेबसाइट्स में जाके चार्ज पे करना पड़ता है। वो आपको एक बेसिक स्कोर आपको डेफिनेटली बता सकते हैं कि आपको आपका स्कोर कितना है, लेकिन उसमें अगर आपको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स असर्टन करने हैं तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ता है। लेकिन मैं इस चीज के लिए सारे उपभोक्ताओं को वॉर्न करना चाहूंगा कि बहुत रेगुलर सिबिल स्कोर चेक करने से भी आपका जो सिबिल स्कोर है वो रिड्यूस होता है। तो इसको अगर हम एक शॉर्ट पीरियड में मल्टीपल टाइम्स अपना सिबिल स्कोर चेक करेंगे तो आपके लिए वो चीज खतरनाक हो सकती है। आपका पर इंक्वायरी आपका सिबिल स्कोर रिड्यूस हो सकता है। इसको हम हार्ड इंक्वायरी में कंसिडर करते हैं। यस, आपने 6 महीने में एक बार ही अपना सिबिल स्कोर चेक किया, उससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आप 6 महीने में 60 बार ही चेक करेंगे तो डेफिनेटली उसमें कोई इंपैक्ट आएगा ही आएगा। ओके, सो यही चेक करना जो हार्ड इंक्वायरी मानी जाएगी और आपको दिखाएगी कि भाई आप क्रेडिट हंग्री हैं या क्रेडिट की तलाश कर रहे हैं और आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है तो इसे इम्प्रूव कैसे करें? यस, सो यू नो अगर कोई उपभोक्ता खराब क्रेडिट स्कोर के साथ बैंक को अप्रोच करता है कि मेरे को एक लोन चाहिए, तो डेफिनेटली उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। जैसे कि उसका हो सकता है कि बिल्कुल फेस पे ना ही कर दी जाए कि आपको हम लोन नहीं दे सकते। सेकेंडली हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत एग्जॉर्बिटेंट चार्ज किया जाए, यू नो सडनली 10% का मार्जिन कंसिडर कर दिया जाए। सो मेरे हिसाब से अगर आज आपको किसी लोन की जरूरत है तो आप अपने लोन को एटलीस्ट 6 महीने से साल के लिए प्रोलॉन्ग करें और कुछ डिफाइंड मेंशन्ड स्टेप्स को फॉलो करें। आई एम श्योर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर होगी आपके क्रेडिट स्कोर में। जैसे कि आपका अगर कोई करंट एग्जिस्टिंग कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा है और उसमें कोई देर इज अ डिफॉल्ट या कोई डिले पेमेंट है तो आप उस डिले पेमेंट को सुधारें, कोई मिस पेमेंट ना करें। कभी भी ऐसा ना करें कि आप अपनी मार्जिन पेमेंट या मिनिमम पेमेंट पे करके क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट रोल ओवर कर ले, जिसकी वजह से आपको 90 डेज के बाद वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके सिबिल रिपोर्ट में करेगा। 90 डेज के अंदर अंदर अगर आप क्रेडिट रोल ओवर करके आप अपना लोन रीपे कर देते हैं या क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग रीपे कर देते हैं तो देर शुड बी नो इम्पैक्ट, बट 90 डेज बियॉन्ड आपको प्रॉब्लम है। सो आप अपनी पेमेंट हिस्ट्री को थोड़ा सा इंप्रूव करें, 6 महीने साल तक इंप्रूव करें, उसके बाद आप जाए। सेकेंड इज क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास 100 रुपए का लोन या क्रेडिट कार्ड लिमिट या लोन है, सो आप कोशिश करें कि 30% से ज्यादा आप कंजम्पशन ना दिखाएं।
अगर आप उसको सब 30% रखेंगे तो इट विल शो एज अ गुड क्रेडिट बिहेवियर और अ रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट बिहेवियर फॉर दी यूजर. सो इससे आपका क्रेडिट स्कोर पॉजिटिवली इंपैक्ट होगा. थर्डली, आप एक अच्छा हेल्दी क्रेडिट मिक्स रखें, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का. सिर्फ ये नहीं कि हम पर्सनल लोन ले रहे हैं या क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं और उसी को रोल ओवर कर रहे हैं. एड सम सिक्योर्ड लोन इन योर पोर्टफोलियो एंड रीपे दैट इन टाइमली मैनर सो दैट आपका एक ओवरऑल पोर्टफोलियो, एक हेल्दी पोर्टफोलियो कंसिडर कर लिया जाए. देन नंबर ऑफ हार्ड इंक्वायरीज जो हमने अभी डिस्कस किया था प्रियंका, तो नंबर ऑफ हार्ड इंक्वायरीज जितनी कम से कम आप कर सकते हैं. आप अपना क्रेडिट हंगर किसी को एक्सप्रेस नहीं करना है, किसी को ये नहीं दिखाना कि आपको पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और आप एक लोन बंद करके दूसरा लोन खड़ा कर रहे हैं. यू नो दिस इज समथिंग, ये बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करता है. ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफॉल्ट. डिफॉल्ट तो कभी करना ही नहीं है. यू नो दिस इज समथिंग जो कि ये एक ब्लैक मार्क है जो कि पूरी लाइफ तक यू नो लार्जली आपके क्रेडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करता रहेगा और आपके पास नेगेटिव इंपैक्ट आएगा. लास्ट पॉइंट में जो हाईलाइट करूंगा यहाँ पे, जैसे कई बार हमारे साथ होता है कि हमें बैंक ऑफर करते हैं हम आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज कर रहे हैं, सो आप उस क्रेडिट लिमिट को एक्सेप्ट करें, इंक्रीज को एक्सेप्ट करें. जैसे ही आपको वो ऑफर आती है आप उसको एक्सेप्ट करें. ये चीज आपका बैंक का कॉन्फिडेंस जताता है आपके अंदर कि आप एज अ यूजर आप एक अच्छे बिहेवियर, लोन बिहेवियर को दर्शा रहे हैं. हेंस वो आपको क्रेडिट एक बैंक एक ऑफर कर रहा है लिमिट एनहांसमेंट की. सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जिससे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो सकता है. ओके, वन लास्ट थिंग जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि अगर कोई शख्स बैंक में फ़ोन करके उनसे इंक्वायरी ये करते हैं कि भाई मुझे लोन की ज़रूरत है, आप कितने इंटरेस्ट में मुझे लोन देंगे, या उस लोन के बारे में बातचीत करते हैं, इसे क्या इससे सिबिल स्कोर पर असर पड़ता है? क्या ये हार्ड इंक्वायरी या सॉफ्ट इंक्वायरी के दायरे में आती है? नहीं प्रियंका, अगर आप एक या ये सॉफ्ट इंक्वायरी के दायरे में कंसिडर की जा सकती ओके है. टिल द टाइम आपका पैन और आधार और मोबाइल नंबर यूज करके क्रेडिट सिबिल की वेबसाइट के ऊपर एंटर करके रिपोर्ट नहीं जनरेट करी जाती, टिल दैट टाइम आपका ये इंक्वायरी नहीं कंसिडर करी जा सकती. अगर ओके आप सिर्फ इंक्वायर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आपको लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये किसी भी चीज में क्वालिफाई नहीं करता है और इसको सिबिल को इंपैक्ट नहीं करेगा. ओके तो बातचीत आप अगर कर रहे हैं तब आपके सिबिल स्कोर पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पैन और आधार का यूज़ करते हुए आपके स्कोर को निकाला जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है क्या कि जब हम बात करते तो बैंक खुद जाके हमारा सिबिल स्कोर फेच कर सकता है क्या? लार्जली बैंक्स ऐसा नहीं करते हैं बिकॉज बैंक्स को इस चीज की अवेयरनेस रहती है कि यू नो दिस विल इंपैक्ट द रिपोर्ट. बट यस, देर आर मिसेज ऑलवेज. मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा. यू नो कुछ बैंक्स अगर करते हैं तो वो चीज वैसे रिकॉर्ड हो जाती है. सॉरी, आई आई फॉरगॉट एडिंग. कोई भी बैंक अगर आपकी इंक्वायरी करता है वो चीज रिकॉर्ड होती है सिबिल रिपोर्ट में कि कौन से बैंक ने आपके आपकी ये रिपोर्ट जनरेट करी है. आप उस चीज को आइडेंटिफाई करके उस बैंक को अप्रोच कर सकते हैं. अगर वो नजायज करी गई है तो हेंस फोर्थ आप उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं. ओके, सो एक सॉफ्ट इंक्वायरी हार्ड इंक्वायरी में तब्दील हो सकती है अगर बैंक चेक यस करें या आप खुद से सिबिल स्कोर चेक करें. बातचीत करने यस में नहीं होगी, लेकिन आप जरूर बैंक को बोलें कि आप हमारा सिबिल स्कोर अगर आप बात कर रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि ऐसा ना हो कि आपको बिना इन्फॉर्म किए हुए वो आपके सिबिल स्कोर को चेक करें.